हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। स्वागत करता हूँ इंडियन बॉय लॉस्ट नेपाल के अंदर। लॉस्ट इन नेपाल अपने जगह का नाम भी भूल गया था। तो आज हमने रिएक्शन देनी है वो हमें सागर टकराकर जी ने कहा है, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन, कि रिएक्शन दो एक होरो माया के ऊपर जो कि रोशन टकराकर और मेगा चैन है, नेपाली सोनिया मुझे लगता है उनके रिश्तेदार है, टकराकर है उनका नाम भी सरनेम। चलो देखते हैं सॉन्ग कैसा होगा कैसा नहीं। ठीक है आप भी बोलो, आप तो बोल ही नहीं रहे, इतना भी शर्माना अच्छा नहीं होता। चलो करते हैं हम इसको वन। सॉन्ग की भाई साहब बहुत ही नंबर वन सॉन्ग कह सकते हैं। नंबर वन मतलब कि अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे हमने पहले सज्जन राज वैद्य के ऊपर रिएक्शन दी थी ना, आपको आवाज थोड़ी सी सिमिलर लगी, आपको सॉरी सिमिलर लगी आपको आवाज पहले सिंगर जैसे जहाँ अलग लगी, पर मुझे तो वही सज्जन राज वैद्य वाली फीलिंग लगी यार, क्योंकि आवाज बहुत ही मतलब प्यारे तरीके के साथ गाया है भाई साहब। मेरा तो
सिर ऐसे हो गया कि म्यूजिक में डूब जाए, पर हमने ऐसे रिएक्शन भी देनी होती है ना ऐसे, तो हमें अच्छे से उसके अंदर जाना पड़ता है वीडियो की, जैसे इसके हम मोबाइल या फिर ऐसे वीडियोग्राफी जो चल रही है उसके अंदर ऐसे करके जाना पड़ता है, आना भी पड़ता है। तो आप बताओ कि कैसा लगा आपको सॉन्ग ये? मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा पुराना सॉन्ग होगा, तो भाई साहब ने या तो कवर सॉन्ग बनाया है या फिर ऐसे है, क्योंकि ये यार वीडियो डिजर्व करती है 200 मिलियन व्यूज के लिए, पर ओल्ड मिल की वजह से शायद ऐसे है। पर भाई साहब यार अगर म्यूजिक की जो बंदा जानता है ना कदर क्या है, वो मतलब समझ सकता है कि है क्या ये। भाई साहब सल्यूट करता हूँ यार, मेरे पास है नहीं है पर हेयर ऑफ आपके लिए, तो आप बताइए अब में अच्छा है क्या सॉन्ग सॉन्ग। या बंदा? बंदा भी बहुत स्मार्ट है। मुझे लॉयर से बात करनी अच्छा है। तो चलो भैया हम लोग यहाँ चलता रहता है गाइस, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। होप आपको ये हमारी वीडियो रिएक्शन अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी शेयर भी कर दो।